नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी कर्क राशि है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, कौन सा अशुभ ग्रह से बचने का आपको उपाय करना है। साथियों, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ध्यान रखें, चंद्रमा जो है वो मन का देवता है, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आप जैसा सोचना शुरू करोगे जीवन में आपके वैसा ही खटता रहेगा। आप अपनी माँ के पैर छूकर कोई भी कार्य की शुरुआत करें, कभी भी आपके जीवन में विघ्न नहीं आएगी, इस चीज को कहीं लिख लें। और दूसरी बात, आप पानी की बर्बादी कम कर दें। अगर घर में कहीं पानी टपक रहा है या पीने के बाद आप गिलास में पानी छोड़ देते हैं, तो यह काम अक्टूबर के माह में बिल्कुल मत करें। सावधानी के रूप में आप ध्यान रखें, संपत्ति और धन के मामले में सतर्कता रखें। कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, जमीन जायदाद खरीदने जा रहे हैं, तो इसको हो सके तो अक्टूबर महीने में टाल दें। वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा, वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी और कटुता दूर होगी। विवाह के भी आपके योग बने हुए हैं कर्क राशि के जातकों। ध्यान रहे, पूर्णिमा के दिन खीर का भोग भगवान शिव को लगाएं, चंद्रमा के दर्शन करें, लाभ ही लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी। अगर आप कुंडली का अपने विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है। आप कुछ जानना चाहते हैं जो जरूर कुंडली का विश्लेषण कराएं, प्रोसीजर क्या है आपको वहां पर बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।